आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपको भारत सरकार के द्वारा कोई भी मोबाइल मिला है, चाहे आपको सैमसंग का मिला हो या आपके पास लावा का हो, तो अपने मोबाइल में आप नेटवर्क स्पीड को कैसे इनेबल करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहां से क्या करते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करते हैं या हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अपने मोबाइल में हम YouTube को ओपन करते हैं। तो जब हम यहाँ पर अपने YouTube को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क स्पीड कितना आ रहा है, हमारा डेटा कितने स्पीड से चल रहा है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा होगा जो आपको भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। जैसे हमारे पास ये है लावा Z33 हमको मिला हुआ है, तो इसमें मैंने चालू कर लिया है। अगर आपको चालू करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले काम करिए अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए। जैसे ही आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करिए स्टेटस बार। जैसे आप टाइप करेंगे स्टेटस, उसके बाद बार, जैसे आप टाइप करेंगे स्टेटस बार, तो आपके सामने यहाँ पर स्टेटस बार निकल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो सेटिंग मिल जाती है जिस सेटिंग को आप चालू करना चाहते हैं, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कहीं पर भी नहीं हुआ है, आया हुआ है। अगर हम यहाँ से इसे बैक भी कर लेते हैं, इस तरीके से बैक करते हैं, तो फिर भी हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैटरी परसेंटेज का है, यानी कि हमारा मोबाइल में बैटरी कितने परसेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर आपको करना क्या होगा, फिर आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उस एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में और वह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है। और जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, फिर आप इसे ओपन करिए और आपके मोबाइल में ये सेटिंग बंद होगा, तो इसे आप चालू कर देंगे तो यहाँ पर आपको नेटवर्क स्पीड दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको डेली डेटा यूजेस, तो आप ये आपका चालू नहीं होगा तो इसे आप चालू कर देंगे। यहाँ पर होगा डेली वाईफाई यूजेस, तो आप इसे बंद नहीं करेंगे, इसे आप चालू कर देंगे, और ये आपका चालू होगा तो इसे आप बंद कर देंगे। इस तरीके से जैसे आप इतना काम कर देंगे, फिर अपने नोटिफिकेशन को आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर नेटवर्क स्पीड दिखाई देगा, यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा कि आपने डेटा कितना यूज किया है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपने वाईफाई से कितना डेटा यूज किया है। तो मैं वाईफाई से ही यूज करता हूँ तो हमारा यहाँ पर वाईफाई दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक परमिशन भी चालू करना होता है इस एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको परमिशन चालू करना पड़े आपके मोबाइल में, वैसे सब मोबाइल में नहीं चालू करना पड़ता है, लेकिन आपके मोबाइल में चालू करना पड़ेगा तो आपके सामने एक्सेसिबिलिटी का परमिशन मांगेगा या आपको मिल जाएगा यूजेस एक्सेस रिक्वायर्ड का, तो आप इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर एप्लीकेशन होगा तो आपने यूजेस एक्सेस रिक्वायर्ड का परमिशन आप यहाँ से दे देना और उसके बाद बैक आ जाना। जैसे आप बैक आ जाएंगे फिर आपका ये चालू हो जाएगा और इसका आपका ये भी चालू हो जाएगा, इसे बंद कर देना। तो बस इतना आपको करना होता है। मैं आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि यार वो भी अपने मोबाइल में नेटवर्क स्पीड को चालू कर पाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।